हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीसी क्लासेस बाय राजन वर्मा। आज के इस वीडियो में राजस्व लेखपाल के बारे में बात करेंगे, थोड़ी सी डिटेल और इम्पोर्टेंट डिटेल बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहली चीज, स्वास्थ्य कार्यकर्ता का जो आपका नोटिफिकेशन आया है उसमें लिखा हुआ है कि जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया हुआ है, UP SSC पेट का एग्जाम दिया हुआ है, केवल वही अभ्यर्थी स्वास्थ्य कार्यकर्ता का फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं, फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल हैं, और उनके पास जो अधिमानी मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो लोग फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन फॉर्म भरने के बाद शॉर्टलिस्टिंग की जाएगी, वो भी कब की जाएगी, जो इसका पोस्ट है 9212 पोस्ट है, अगर इससे बहुत ज़्यादा कैंडिडेट हो जाते हैं तो वहाँ पर क्या किया जाएगा, शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ये बात तो समझ में आ गई। नीचे आप स्क्रीनशॉट देख रहे हैं जो इसके बारे में बताया गया है, जो पेट एग्जाम दिया है बच्चों ने, केवल वही अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पे इसकी बात खत्म हो गई। अब बात करेंगे राजस्व लेखपाल के बारे में, कौन अप्लाई मतलब कौन किसको अप्लाई करना पड़े। अब बात करेंगे राजस्व लेखपाल के बारे में कि मतलब कितने मार्क्स वाले अप्लाई कर सकते हैं और कितने मार्क्स वाले पढ़ाई करें, तैयारी करें, इन सारी चीजों पर। अच्छा, जब आपका राजस्व लेखपाल का, बहुत पहले से मैं कह रहा था कि CCC कर लीजिए, और बहुत से बच्चों ने CCC कर लिया है, लेकिन अभी यहाँ पे जो संशोधन होना था उसमें ये बात आई है कि CCC नहीं मांगा जाएगा। क्या मांगा जाएगा, केवल और केवल 12th मांगा जाएगा। तो देखिए, बहुत से बच्चों ने मेरे कहने पे CCC कर लिया है, तो भाई प्लीज़ नाराज मत होइएगा, ये कोई आपके लिए नुकसान नहीं है। आगे जब आपका जूनियर असिस्टेंट का वैकेंसी आएगा, जूनियर असिस्टेंट, ठीक है, इसकी नियमावली में जो है वो 12th plus CCC है, 12th plus CCC है, तो जूनियर असिस्टेंट जैसी वैकेंसी में तो CCC मांगा ही जाएगा। और अगर आपने CCC कर लिया था, आपको सर्टिफिकेट मिल गया है, तो कहीं ना कहीं से आपको आगे फायदा ही करेगा, और जिनके पास नहीं था तो खैर उनके लिए भी अच्छा मौका मिल गया राजस्व लेखपाल में अप्लाई करने के लिए। ठीक है, चलिए ये बात तो हो गई। अब बात करेंगे कि कितने मार्क्स या परसेंटाइल वाले कैंडिडेट को मौका मिलेगा और कब तक होगा ऑनलाइन एप्लीकेशन, ऑनलाइन अप्लाई। ठीक है, तो देखिए, आपका 24 अगस्त को पेपर हुआ था और 25 अगस्त को मैंने एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया था, अनरिजर्व 55, OBC 50, EWS 50, SC 45, ST 40 और PWD 45, फीमेल 45। ये थंबनेल आप देख रहे हैं, ये थंबनेल इसका, इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जहां पे मैंने ये कट ऑफ बताया हुआ है। ठीक है ना, बिल्कुल, ये मैंने एग्जाम के एक दिन बाद बताया था, आफ्टर एग्जाम 25 अगस्त को मैंने बताया था। ठीक है, तो आप चाहे वो वीडियो देख सकते हैं, मैंने तभी बता दिया था और एग्जाम से पहले भी यही बताया था, ठीक है। अब बात यह है कि आपने न्यूज़पेपर में क्या पढ़ा था आपने, कि 75 परसेंटाइल वाले बच्चे एलिजिबल होंगे फॉर्म भरने के लिए, 75 परसेंटाइल वाले। ठीक है, थोड़ा सा रफ करना चाहूंगा मैं, यहां पे इधर कर लेता हूं, ठीक है ना। तो 75 परसेंटाइल वाले बच्चे अगर एलिजिबल हैं तो जरा मेरी बात को समझिएगा। मैंने कई स्कोर कार्ड देखे हैं जिनका 55 मार्क्स है, नॉर्मलाइज होके 57 हुआ है, ये एब्सोल्यूट मार्क्स है, ये रॉ मार्क्स हो गया, ये आपका नॉर्मलाइज मार्क्स हो गया, और ये आपका 57 से 79 परसेंटाइल हुआ है। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं, मैंने ये, मेरे पास ये स्कोर कार्ड भी रखा हुआ है 55 से, आप देख लीजिए सामने, मैं दिखा रहा हूँ आपको, 57 हुआ है और 57 से 79 परसेंटाइल हुआ है। इसी प्रकार मैंने और भी पेट के स्कोर देखे हैं, जहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे रफ करना चाहूँगा फिर से, ठीक है। तो जहाँ पे अगर 55 वाला 79 परसेंटाइल पे जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है 50 परसेंट वाला कहीं ना कहीं 75 परसेंटाइल पे आएगा। ठीक है, ये है। अब देखिए, ये बात अब बताई जा रही है, और ये बात मैंने तभी बता दी थी कि अनरिजर्व अगर 55 पे है, तो भाई अगर 55 पे है इसका मतलब कितना, एटलीस्ट मतलब कम से कम 80% हो जाएगा। ठीक है, और OBC EWS मैंने 50 मार्क्स बताया था, और देखिए 50 मार्क्स है तो कहीं ना कहीं 75 परसेंटाइल। ठीक है, तो बिल्कुल सटीक बताया था मैंने, उस समय बताया था जब सब लोग कह रहे थे कि
93% से ऊपर वालों को ही मौका मिलेगा, नीचे वालों को मौका ही नहीं मिलेगा। तो मैंने रॉ मार्क्स बताया था उसमें, मैंने रॉ मार्क्स बताया था, ये देखिए ये रॉ मार्क्स जिनके भी आए थे 55, 50, 50 और एससी एसटी में 45। अभी देखिए फीमेल, एक चीज और बता दूं, ये जो मैंने पहले बताया था एससी एसटी और फीमेल की अगर मैं बात कर लूं, फीमेल और पीडब्ल्यूडी इनके अगर 45 मार्क्स हैं, 45 प्लस मार्क्स हैं, तो वो भी लेखपाल का लेखपाल में क्या होंगे, शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, लेखपाल के फॉर्म में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, 100% शॉर्टलिस्ट होंगे। तो एक बात समझ लीजिएगा, अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी, ठीक है, इनके 50 मार्क्स, इनके 50 मार्क्स जिनके भी 50 रॉ मार्क्स हैं या एब्सोल्यूट कह लीजिए वो, फिर एससी एसटी और फीमेल, फीमेल और आपका हो गया फ्रीडम फाइटर, ठीक है, और कौन सा हो गया पीडब्ल्यूडी, ये जिनके भी 45 मार्क्स हैं इनमें, वो लेखपाल के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो जाएंगे। ये बात मैंने बहुत पहले बताई थी, आप देख लीजिए 55, 50, 50 और अनरिजर्व 55 मैंने देखिए तभी बताया था, ठीक है, 100 में से 55। तो कहीं ना कहीं मतलब मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ इतनी सटीक बताता हूँ, इतनी अच्छी जानकारी देता हूँ, और वो भी एग्ज़ाम से काफ़ी पहले ही मैं एक सटीक जानकारी बताता हूँ कि अगर आप इसके अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और आगे आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आप विश्वास करते हैं मेरी बातों पे, तो आगे मैं बताने जा रहा हूँ। अच्छा, कब तक होगा ऑनलाइन अप्लाई? तो ऑनलाइन अप्लाई की अगर हम बात करें तो देखिए आपका आज 21 तारीख हो गया, दिसंबर में 21 तारीख हो गया, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका बस ये आज कल जो भी है बहुत जल्द आने वाला है। तो मैं अगर बोलूँ मोटा मोटा तो ये आपका दिसंबर ख़त्म होने से पहले पहले तक, मतलब दिसंबर में ही आपका अप्लाई करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए नोटिस आ जाएगा। हो सकता है 25 तक आ जाए, हो सकता है दिसंबर के अंत तक आ जाए, तो भाई नए साल से पहले आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है ना, तो नए साल से पहले आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि देखिए आपको यकीन करो या ना करो, लेकिन मैं अभी बता देता हूँ जो आपका लेखपाल होगा उसका सेफ स्कोर क्या जा सकता है, ठीक है। जैसा कि आपको पता है 25 नंबर हिंदी, 25 नंबर आपका जीएस है, 25 नंबर जीएस है, 25 नंबर ग्राम समाज है, ग्राम समाज है, ठीक है, और 25 नंबर क्या है, मैथ है, 25 नंबर क्या है, मैथ है, ठीक है, और 100 क्वेश्चन हो गए आपके, और 100 नंबर का होगा, ठीक है। यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी रखी जाएगी, ठीक है। अब देखिए बिल्कुल सही से ही समझ लीजिएगा, अगर मैं बात करता हूँ एक लो, एक एवरेज और एक टॉपर, टॉपर बच्चे की, ठीक है ना, तो यहाँ पे तीन तरह के बच्चे होंगे, जो ये 25, 25, 25, 25 है। तो अगर मैं एवरेज बच्चे की बात कर लूँ तो मैथ में 25 में से कितना लाएगा, 20 लाएगा, ठीक है, 20 नहीं 18 लाएगा, ठीक है। और अगर ग्राम समाज की बात कर लें तो अगर बहुत अच्छे से पढ़ लेता है तो 16 नंबर, और जीएस की बात कर लें तो जीएस भी अच्छे से पढ़ लेता है तो कहीं ना कहीं 18 नंबर, ठीक है, और हिंदी भी अच्छे से कहीं पढ़ लेता है तो 18 नंबर, ठीक है। तो ये आपके ये हो गए बिल्कुल सही, यही सटीक, यही बैठेगा ही लास्ट में, आप देख लेना। और टॉपर की अगर हम बात करें तो हिंदी में 20-21 नंबर, और जीएस की बात कर लें तो 20 नंबर, और ग्राम समाज की बात कर लें तो 20 नंबर, और मैथ की बात कर लें तो कम से कम 23 नंबर, ठीक है। और लो कैंडिडेट मतलब लो बच्चों की अगर मैं बात कर लूँ जो एवरेज से नीचे आते हैं, तो वो हिंदी में कहीं 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 ना कहीं 18 या 20 नंबर, और जीएस में वही करीब करीब 10-12 नंबर, और आपका ग्राम समाज की बात कर लें तो ग्राम समाज में भी वही करीब करीब 12 से 14 नंबर, और मैथ की बात कर लें तो वही करीब करीब 13 से 14 क्वेश्चन, ठीक है। ये आप मतलब 100% वाली बात मैं करता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए ये कितना हो गया, 3-1-4 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया, 2-2-4-2-6-2-8 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 84 मार्क्स, 100% सिलेक्शन, 100% सिलेक्शन। लेकिन ये कौन कहलाएंगे, ये आपके टॉपर होंगे, कौन होंगे, आपके टॉपर होंगे, ठीक है ना, बात मानते हो कि नहीं मानते हो, ये आपके टॉपर होंगे, ठीक है। अगर मैं बात कर लूँ 8-3-24, 24 और 6 कितना हो गया मेरे भाई, 30 का 0 हासिल लगा, 3-4-5-6-7, ठीक है, 70 मार्क्स एवरेज बच्चों के 70 मार्क्स आएंगे, ठीक है। ये भी क्या होंगे, ये भी सिलेक्टेड होंगे, ठीक है, लेकिन
और यहां पे कितना हो गया, चार दो छह दो आठ, आठ हो गया, और दो तीन चार पांच, ठीक है। तो ये जो 50 जो भी 60 के नीचे हैं, ठीक है ना, ये आपके हो गए एवरेज, और ये हो गए नॉट सिलेक्टेड। ये क्या हो गए, नॉट सिलेक्टेड, ठीक है। तो एक एक मोटा मोटा अगर मैं बोलूं तो आपको सब्जेक्ट वाइज लेके चलना है, तो हिंदी में 20 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने चाहिए, जीएस में कम से कम 18 क्वेश्चन, ग्राम समाज में कम से कम 20 क्वेश्चन, और मैथ में कम से कम 20 क्वेश्चन, ठीक है। ग्राम समाज में कम से कम आप 18 ही कर लो, नहीं 25 क्वेश्चन है, आप 18 ही कर लो, जीएस में मान लेते हैं थोड़े और कम, ठीक है, थोड़े और कम, ठीक है ना। अच्छा, एक अकॉर्डिंग मैं अपने अकॉर्डिंग अपने मार्क्स बता देता हूँ, मैं हमेशा एग्जाम से पहले ही अपना एक स्ट्रेटजी लेके चलता हूँ कि मेरे कितने आ जाएंगे, ठीक है ना। तो मैथ में कम से कम मेरे 23 क्वेश्चन, ग्राम समाज में कम से कम 18, जीएस में कम से कम 16, और हिंदी में कम से कम 20, मुझे पहले से पता होता है। मैंने यूपीएसआई का एग्जाम दिया, मैंने जो बोला था वही आया, मैंने पेट का एग्जाम दिया, मैंने जो बोला था वही आया। अभी मैं करंटली जूनियर असिस्टेंट में जॉब कर रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा कि मैं अभी जॉब ही नहीं कर रहा हूँ, मैं जॉब कर रहा हूँ, लेकिन आप सभी की मोटिवेशन के लिए मैं हमेशा एक स्ट्रैटेजी बना के चलता हूँ और आप सभी को बताता भी हूँ। 8, 6, 14, 14 और 3, 17 का 7 हासिल लगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 2, 7, ठीक है। तो देखिए मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, अगर मैं ये पेपर देता हूँ तो कितना 75 मार्क्स मेरे कम से कम आएंगे और 100% आएंगे, क्योंकि मैथ मेरी स्ट्रांग है, ये कहीं नहीं गया। ग्राम समा अभी देखिए दो क्वेश्चन मेरे कहाँ कम होंगे पता है आपको, ये यहाँ कम होंगे, ठीक है, यहाँ कम होंगे, ठीक है, मतलब 75 तो मेरे आने हैं, तो ये दो क्वेश्चन यहाँ कम होंगे मेरे जीएस में, ठीक है ना, क्योंकि जीएस ही मेरा थोड़ा सा वीक पोर्शन है, बाकी सब स्ट्रांग है। और इस प्रकार अगर आप तैयारी करेंगे तो आप लेखपाल बनने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच दोस्तों, आशा करता हूँ मेरी बातें समझ में आई होंगी, आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आया होगा, और जिनके भी ये मार्क्स हैं, जिनके भी ये मार्क्स हैं नॉर्मलाइज, ये अब्सोल्यूट मार्क्स हैं, रॉ मार्क्स हैं, वो लेखपाल की तैयारी करें, उनको मौका 100% मिलेगा। बाय बाय, टेक केयर, आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में।